किताब से मालूम होता है कि मुसन्नफ आलम दीन और सूफी थे। ये किताब उनके कश्फ पर मबनी पेशनगोइयों पर मबनी है। इस किताब में एक बाब खास तौर पर हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में है और इस बाब में हजरत लिखते हैं कि हिंद के कुछ इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, लेकिन एक तवील अरसा तक ये मुल्क अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार रहेगा। उसकी जो वजह इस किताब में बयान की गई है वो बहुत होलनाक है। हजरत लिखते हैं कि सराके के मुसलमान खिंजीर नुमा खुराक खाने के आदि होंगे और यही सबब होगा कि वो बतदरीज दीन से दूर होते जाएंगे। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि पाकिस्तान में लोग बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टॉट जोन्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये साबित किया है कि ब्रायल चिकन और खिंजीर के गोश्त में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं। ब्रायल जिस टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया उसमें खिंजीर के मॉडल को ही फॉलो किया गया था। इस तहकीक के सामने आते ही इस तहकीक पर पाबंदी लगा दी गई और डॉक्टर जोन्स को नफसियाती मरीज करार देकर जहनी अमराज के अस्पताल में जबरदस्ती डाल दिया गया। नवंबर 2015 में डॉक्टर स्टॉट जोन्स का इसी अस्पताल में पुरसरार हालत में इंतकाल हो गया। अगर यह तहकीक मंजर आम पर आ जाती तो मगरब की मल्टी बिलियन डॉलर ब्रायल चिकन इंडस्ट्री तबाह हो जाती। इस इंडस्ट्री के बल पर उन्होंने मुस्लिम मालिक में अपने एजेंट्स को जैसे अरबपति किया वो सिलसिला भी खत्म हो जाता। और सबसे अहम बात ये कि मुसलमान हराम गोश्त खा के जिन रूहानी अमराज का शिकार हो रहे हैं इससे निजात मिल जाती। तो ये जो मज़मून का एक हिस्सा मैंने मेजर ट्राइड वसीम अनवर चौधरी साहब का जो डेली औसाफ समेत मुख्तलिफ अखबारात में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ये शाया हुआ है ये मैंने आपके सामने पढ़ा, तो ये बड़ा अजीब इंकशाफ है। और ये ब्रायल चिकन के हवाले से पहले भी जो है मुहक्कीकीन को और रिसर्चर जो है उनको तहफ़ुज़ात थे, और वैसे भी तिब्बी लिहाज से भी ब्रायल चिकन जो है इंतहाई नुकसानदेह है। एक हदीस में आता है कि देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी, यानी ब्रायल चिकन तो अभी आई है, देसी मुर्गी तो पहले से है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी। और एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जिसमें बताया गया है कि जब भी तुमने यानी मुर्गी खानी हो, पालतू मुर्गी जो घर में रखी हुई है, तो उसको भी खाने से एक दो दिन पहले, ज़िबा करने से एक दो दिन पहले उसको बांध के रखो। और इसमें हिकमत ये बताई गई है, उसकी हिकमत ये है कि मुर्गी वैसे आमतौर पर यानी हर किस्म की चीज़ें खाती है, कीड़े भी खा लेती है, गंदी नाली से गंद भी खाती रहती है, तो अगर उसी वक्त उसी तरह अगर आप उसको पकड़ कर ज़िबा करोगे तो वो गंद जो उसने खाया हुआ है उसके असरात उस गोश्त में होंगे। तो उसको इसलिए हदीस में ये ताकीद की गई है कि मुर्गी को 3 दिन तक बांध के रखो, यानी उसको बांध के रखो, वो अपनी मर्जी से कुछ ना खाए, उसे खुद पाक गज़ा जो है गंदम या जो भी साफ सुथरी गज़ा उसको खिलाओ 3 दिन तक, ताकि वो गंद जो उसने खाया वो ख़त्म हो जाए उसके अंदर 3 दिन में, और उसके बाद उसको ज़िबा करके खाओ। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये ब्रायल चिकन जो है, फार्मी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, इनको जो फीड खिलाई जाती है, ये तो एक आम सी बात है कि ये फीड जो है ये हमारे शहरों में जो कसाई खाने होते हैं, बड़े बड़े मजबा खाने होते हैं जहाँ पर पूरे शहर के लिए जानवर ज़िबा होते हैं, तो वो जानवरों का जो खून होता है, जो वो खून ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उस खून को इकट्ठा करके फरोख्त किया जाता है। ज़ाहिर है ज़िबा करने के बाद जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो खून कुछ देर के बाद जम जाता है वो, तो उसको फिर इकट्ठा करके बेचा जाता है। और ये जो मुर्गी खाने होते हैं जहाँ पर फार्मी मुर्गियाँ जो हैं ये पाली जाती हैं, वहाँ पर फिर उस जमे हुए उस हराम खून से उसमें कुछ और चीज़ें, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ और इस तरह की गंदी चीज़ें जो हैं वो हराम चीज़ें उसमें मिलाकर, और इसी तरह मुर्दा मुर्गियों का गोश्त, मुर्दा जानवरों का गोश्त, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उनकी फीड तैयार की जाती है, खुराक तैयार की जाती है, और यही खुराक इन फार्मी मुर्गियों को खिलाई जाती है। तो ये हराम सरी हराम खून की ग़िज़ा इनको खिलाई जाती है, और हम उसी वक्त उसको ज़िबा करके ताज़ा ताज़ा उसने सब कुछ खाया होता है हराम चीज़ें, हम उसको खाते हैं। तो जाहिर बात है इस हदीस की रूह से भी ये चीज़ बिल्कुल इसकी यानी इजाज़त नहीं है, और बिल्कुल ये मकरूह बन जाती है। यानी हम इसको वाज़े तौर पर हराम तो नहीं कह सकते, लेकिन मकरूह होने में कोई इसमें शक नहीं है, शक व शुबे वाली कोई बात नहीं है। एक आम देसी मुर्गी अगर मकरूह हो जाती है, जिसके बारे में हुजूर ने ताकीद की कि उसको बांधा जाए 3 दिन तक और उसको पाक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, तो ये फार्मी मुर्गी तो खुद, जबकि फिर इसके अलावा इस ब्रायल चिकन के जो दीगर नुकसान हैं उन नुकसान में से एक नुकसान ये है
कि जिन घरों में ब्रॉयलर चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो उन घरों में जो बच्चे होते हैं वो 8-9 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, यानी बच्चे को तो 14-15 साल की उम्र में बालिग होना चाहिए, लेकिन मुसलसल ये ब्रॉयलर चिकन खाने की वजह से बच्चे 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा भी अगर आप गूगल में सर्च करें ब्रॉयलर चिकन के नुकसान, तो बेशुमार नुकसान हैं। अब ये जो रिसर्च आई है प्रोफेसर स्टॉट जॉन्स की, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये ब्रॉयलर चिकन जो है ये इसको इसका जो फार्मूला है बुनियादी तौर पर जो है वो जिस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है वो खिंजीर के मॉडल को फॉलो करके बनाया गया है, चूंकि फार्मी खिंजीर जो है वो भी दुनिया में बनाए जाते हैं, सफेद रंग के वो होते हैं आमतौर पर और जंगली भी होते हैं। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पागल करार देकर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया पागलों के, फिर उसको पुरस्कार तौर पर उनकी हिलाकत भी वहाँ पर हो गई और इस तरह इस तहकीक को दबा दिया गया। और इसी तरह फिर ये जो किताब मिली है इसमें जो पेशनगोई है बुजुर्ग जिनका जिक्र अभी किया है अब्दुल्ला बिन ताहिर अल बगदादी अल रिज़वी, तो इन्होंने जो पेशनगोइयाँ की थी उनमें से हिंदुस्तान में जो एक अलग मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी पाकिस्तान, उसके हवाले से उन्होंने तहकीक की कि वहाँ पर जो एक बेदीनी होगी और एक तवील अरसे तक अफरा तफरी होगी उसकी वजह भी यही होगी कि लोग खिंजीर नुमा एक खुराक खाने के आदि होंगे। जाहिर बात उस वक्त तो ये मुर्गी नहीं थी, तो उन्होंने उस पेशन गोई में ये पेशन गोई की है कि खिंजीर नुमा खिंजीर से मिलती जुलती, और अब आकर ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर ने इस बात को ये मतलब उन्होंने कह दिया कि ये ब्रॉयल चिकन जो है ये खिंजीर नुमा है और खिंजीर की तरह इसका जो है फार्मूला है। ये बड़ी हमारे लिए एक अजीब बात है, तो इसमें हमें वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रॉयल चिकन जो है उनकी फीड जो होती है उनकी खुराक जो है वो तो साफ तौर पर कतई तौर पर हराम चीज़ों से तैयार की जाती है और वो उनको खिलाई जाती है और वो उसी वक्त हम ताज़ा ताज़ा उसको ज़िबा करके खाते हैं, तो ये भी इस एतबार से ये गलत बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हराम से हिफाजत फरमाए। आमीन।